फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ चौट्रिक अली जैर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फाजिल खान। मैं आज आपके लिए लाया हूं सम इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण यूज़ जो हम लोग अपनी मतलब कभी कभी देखने को मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर सामने, तो आप देखिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ ये सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें और उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर मैथ चौट्रिक अली जैर पर बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव एंड अदर कॉमन स्टडी वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जो आप लोग के लिए बहुत ही वीडियो हेल्पफुल साबित होंगे। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, पार्ट वन उसका नाम है। उसमें यूज़ ऑफ कम वाट में यूज़ ऑफ एट यूज़ ऑफ लीस्ट एंड यूज़ ऑफ इट इज़ हैजल टू क्या मैंने यूज़ बताया था, और उसमें तीन वीडियो मैंने यूज़ के अपलोड किए थे और मैं इसमें भी तीन वीडियो अपलोड करूँगा। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग यूज़ ऑफ बोथ, जहाँ पर बोथ आएगा तो वहाँ पर क्या होएगा, तो जिन वाक्यों के अंदर दोनों या और भी शब्द आएँ तो वहाँ पर हम बोथ का प्रयोग करते हैं। नंबर एक बात देखिए फ्रेंड्स, वह चोर भी है और हत्यारा भी, तो वह चोर भी, ही इज़ बोथ, मतलब दोनों है ना, चोर भी है हत्यारा भी है, ही इज़ बोथ थीफ एंड किलर, ठीक है। अब नंबर, शीला एक गायक भी है और सिंगर भी, तो शीला इज़ बोथ सिंगर एंड डांसर। हम बहुत अच्छे भी हैं और बुरे भी, तो वह बोलते हैं वी आर, हम हैं, ठीक है, बोथ दोनों, वेरी गुड एंड बैड। देखिए फ्रेंड्स, कैन यूज़ है यूज़ ऑफ डेयर या डेयर नॉट, साहस हिम्मत औकात, बोलते हैं तुम में इतनी औकात नहीं है, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम में इतनी साहस नहीं है, क्या बोलते हैं, आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप में इतना साहस नहीं है, आप में इतनी औकात नहीं है कि ये काम कर सको या यहाँ तक दौड़ सको या इतनी तेज़ दौड़ सको, मतलब कुछ भी अगर ऐसी हिम्मत औकात वाली बात आए तो ये वाला यहाँ पर यूज़ होगा इसका। देखिए, तुम्हारी इतनी औकात, बोल देते हैं तो हाउ डेयर यू, देखिए तुम्हें मुझसे बात करने का साहस नहीं है, साहस नहीं है, या तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है, या इसे बोल सकते हैं तुम्हें मुझसे बात करने की औकात नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, यू डेयर नॉट टॉक टू मी, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे खुलकर बात कर सको, ठीक है, यू डेयर नॉट ओपनली टॉक टू मी, मतलब यहाँ पर बोल सकें तुम्हें आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे आप खुलकर बात कर सकें, या आप में इतनी औकात नहीं है आप मुझसे खुल के बात कर सकें, या आप में इतनी हिम्मत नहीं है आप मुझसे खुलकर बात कर सकें, तो यू डेयर नॉट ओपनली टॉक टू मी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा दो यूज़ कम्प्लीट हो गए हैं, और थर्ड यूज़ है मेरा यूज़ ऑफ अनलेस। अनलेस का मतलब होता जब तक, तो क्या जिन वाक्यों में, देखिए फ्रेंड्स, यूज़ ऑफ अनलेस, अनलेस मतलब जब तक, नोट पॉइंट, जिन वाक्यों में जब तक शब्द आए, जब तक शब्द दिया हो या जब तक शब्द आए तो वहाँ पर अनलेस का यूज़ करते हैं। नंबर एक बात, फर्स्ट एग्जांपल इसका देख ले, जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे तुम सफल नहीं होगे, तो क्या होगा, अनलेस, अनलेस जब तक आ गया, ठीक है, यू तुम ईमानदार नहीं होगे, यू शैल नाट, मतलब यहाँ पर फोर्स कर रहा है तो शैल नाट लगा है, यू शैल नाट होनेस्ट, यू कांट सक्सेस, तुम ईमानदार नहीं हो सकते, अनलेस यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, देन यू कैन सक्सेस, यू कैन सक्सेस, तुम ईमानदार, तुम्हें तक ईमानदार नहीं हो गए जब तक तुम समझ सफल नहीं हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल फ्रेंड देख लीजिए, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं हो गए, अगर तुम ऐसे ही बैठे रहोगे तो तुम पास नहीं हो गए, ठीक है, अनलेस, तो जब तक मतलब अनलेस लगा दिया तो यू, ठीक है, और मेहनत नहीं करोगे तो विल डू हार्ड वर्क, सॉरी, विल नॉट डू हार्ड वर्क, You can't success। देखिए फ्रेंड्स, विल नॉट डू हार्ड वर्क, यू कांट सक्सेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, जब तक पढ़ोगे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, जब तक पढ़ोगे नहीं तुम्हें याद नहीं होगा, तो बिल्कुल रियल बात है, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक याद नहीं होगा। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इसे एक बार भी देख लेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ तो समझ में ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ तो सीख मिलेगी। देखिए, जब तक तो मतलब अनलेस, तो क्या बोलेंगे, नंबर एक बात, और उसके बाद पढ़ोगे नहीं तो यू विल नॉट स्टडी, जब तक स्टडी नहीं करोगे तो देन यू कांट लर्न, तुम्हें याद नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड देखिए, जब तक वह नहीं बोलता मैं नहीं बोलूँगा, मतलब मैं लोग फ्रेंड्स लोगों में ऐसी बात हो जाती है, जब तक वह नहीं बोलता तो मैं भी नहीं बोलूँगा, तो जब तक मतलब अनलेस और ही डोंट स्पीक, वह नहीं बोलता, देन आई विल नॉट स्पीक, तो
तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव एंड अदर कॉमन स्टडी वीडियो डालता रहता हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।